हेलो, क्या हाल चाल है? होपफुली सब थोड़ी होगा। अब देखो यार, धीरे धीरे वापस से अपन अपना जो कमबैक है ना, वो इधर कर रहे हैं धीरे धीरे। एंड अभी अगर देखोगे ना तो मैं काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज भी अपनी चेंज किया हूँ, जिससे कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि उन्हीं स्ट्रैटेजीज को थोड़ा सा मतलब एक अलग लेवल पर जाके मतलब एक अलग लेवल पर ले जाऊँ एंड उसी हिसाब से खेलूँ। और भाई वापस से #1 के लिए ट्राई करूँ, क्योंकि अभी वापस इतने कुछ ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं है भाई। कल तक 300 पॉइंट्स का डिफरेंस था, आज मैंने वापस से 200 पॉइंट्स पे ला के रख दिया है। एंड अगर आज का दिन भी थोड़ा सा ज़्यादा सही रहा तो यार होप्स हूँ कि आज मैं 100 पॉइंट्स का डिफरेंस पे आ जाऊँ। एंड कल भाई मैं ज़्यादा ध्यान रखूँगा कि भाई माइनस ना हो इस बार, क्योंकि हर बार ना दो दिन अच्छे जाते, तीसरा दिन पर यार कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है। सो इस बार तो भाई मैं जितना हो सके उतना ध्यान रखूँगा कि माइनस ना लगे मेरा। बाकी यार आप लोग का रैंक एंड टीयर अभी क्या चल रहा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और अब यार यहाँ पे सेकंड मंथ भी आज से स्टार्ट हो चुका है, तो अब धीरे धीरे प्लस जो है ना वो पहले से मिलना कम हो जाएगा। सो अब आपको जितना हो सके ना उतना ध्यान रखना है कि यार आप जितना हो सके उतना स्टार्टिंग में फाइट्स अवॉइड करो। मैं भी यार अभी जितना हो सके उतना भाई स्टार्टिंग में फाइट्स अवॉइड करता हूँ। मेरे को पता है कि यार जब भी कोई बंदा आसपास से निकलता है ना तो खुजली होती है यार बंदे के ऊपर स्प्रे लेने में। सो यार ट्राई करो यार स्टार्टिंग में जितना हो सके उतना फाइट्स अवॉइड करो, जिससे कि यार तुमको ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब बढ़ते यार आज की गेम की तरफ। तो देखो अभी के लिए ना यहाँ पे मेरे सामने साइड जो शैक था ना वहाँ पे इधर दो टीम अप वाले बंदे आ चुके थे एंड अगला जोन भी अपने में बन चुका था। एंड इस बार अपन यार जोन के एज पे थे, सो मेरे को पता था कि यार उन लोगों को इधर जोन के अंदर आना रहेगा, तो मैं बस अब उन लोगों का इधर वेट करके बैठा था। पहले बंदे को तो अपन ने आराम से निपटा दिया था, दूसरा बंदा अभी भी इधर जोन के बाहर था। और यार वो वाला बंदा जैसे इधर जोन के लिए निकलता आराम से इसको किल कर देते, बाकी भी किलर इसके बाद वाला जोन जो था ना वो भी अपने पे बन जाता है। सो अब बस यहाँ पे अपने को लेटे लेटे होल्ड करना था एंड वेट करना था कि अगर अपने तरफ कोई बंदा आता है तो यार उसको अपन किल करेंगे। और यहाँ पे देखते देखते अगला जोन जो था ना वो भी अपने पे बन जाता है एंड इस बार भी अपन जोन के एज पे थे, लेकिन अपने पास सबसे बेस्ट पोजीशन थी। तो अब बस यहाँ पे अपने को बंदों का वेट करना था। और भाई जैसे अगला जोन स्टार्ट होने वाला रहता है यूएस वाला बंदा अपने ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता। अब बंदे को इधर में अच्छा खासा डैमेज दे दिया था एंड अब अगर यहाँ पे मेरे पे रेड डॉट लगा हुआ होता तो यार अब तक तो इसको निपटा दिया रहता मैं। बाकी भी यार ये वाले बंदे के ऊपर मैं इधर पुश करने वाला था कि उतने में मेरे को पीछे साइड से एक बंदा आता हुआ दिखता है जो कि ड्रॉप के कवर में जाकर बैठ चुका था। तो अब यहाँ पे मैं ज्यादा ओपन में जाता तो वो बंदा इधर मेरे को भी निपटा सकता था। अब एक बंदे की लोकेशन तो इधर सामने की साइड ही हो चुकी थी, लेकिन अब दूसरा बंदा यहाँ पे कहाँ पे होल्ड कर रहा है इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था। अब पहले यहाँ पे मेरे को नहीं पता था कि उस बंदे ने मेरे सामने वाले बंदे को पेला, मेरे को लगा कि शायद से बंदे ने किसी और को पेला होगा। अब एक बंदा अपने सामने है और दूसरा बंदा इधर ड्रॉप के पास है, तो मतलब यहाँ पे मेरे को लगा था कि यार दोनों बंदों की मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुकी है। और उतने में यार सामने वाला बंदा इधर सोन के अंदर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ यार यहाँ पे जोन भी स्टार्ट हो चुका था, तो अब बस यहाँ पे मैं वेट करके बैठा था कि ये वाला बंदा इधर कोई भी गलती करे और इसको मैं इधर आराम से पी लूँ। और उतने में यार बंदा जो था ना वो इधर मेरे ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब यार बंदा जो था वो इधर सामने की साइड आके हार्ड कवर लगा के बैठ चुका था और अब यहाँ पे अगला जोन भी यहाँ से शिफ्ट हो चुका था। तो मैं सबसे पहले तो अपने आप को बूस्ट मारता, उसके बाद मैं सोचा कि चलो बचा हुआ जो एक ग्रेनेड है ना वो इसके ऊपर भरने का ट्राई करते। लेकिन जैसे इधर मैं नीड का पिन खींचता हूँ बंदा इधर मेरे ऊपर पुश करने आ जाता है।
और लास्ट में इधर 1v1 की फाइट बची थी, तो जो नीचे की साइड शेल्टर में बंदा होल्ड कर रहा था ना, वो अब जाके बाहर निकलता है। लिटरली मेरे को पता भी नहीं था कि भाई बंदा जो है ना लास्ट वाला वो इधर शेल्टर के अंदर घुस के बैठ रहा है। तो भाई बंदा जो था ना वो तो भाई फुल पेशेंस वाला था, क्योंकि ऑलमोस्ट उसने 3 से 4 जोन से भाई इधर मेरे को एक फुट स्टेप नहीं दिया था। तो भाई बंदे के अंदर पेशेंस तो था, ये तो बोल सकते हैं अपन। बाकी यार वो वाली गेम में अपने को 13+ मिल जाता है। बढ़ते यार आज के सेकंड गेम प्ले की तरफ। तो देखो ये वाला जो गेम रहने वाला है ना, वो आज से 2 से 3 या 4 दिन पहले पुराना गेम प्ले, लेकिन ऑब्वियसली बात है भाई अगर अच्छे गेम प्लेस पड़े तो भाई उनको मैं क्यों ही डिलीट करूँगा। 8 या 10 किल्स के गेम प्लेस पड़े मेरे उस दिन के, तो भाई ऐसे गेम प्लेस फोकट के डिलीट करने का कुछ मतलब है नहीं। मानता हूँ कि भाई स्पाइडरमैन मोड का गेम प्ले, लेकिन भाई अगर कोई गेम प्ले भाई एकदम ही नेक्स्ट लेवल है तो यार मैं फोकट का उसको क्यों ही डिलीट मारूंगा। आज के वाले गेम प्ले देखोगे ना तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बाकी भी क्लियर इधर गेम की बात करें ना, तो देखो यहाँ पे ना मैं थर्ड जोन से आ चुका था ये वाले वॉच टावर पे, एंड बैक टू बैक इधर जोन मेरे पे बन जाते। अभी क्लियर अभी तक तो अपन जोन के सेंटर में थे, लेकिन इस बार अपन जोन के एच पे आ चुके थे। और अब यहाँ पे मेरे को पता था कि इसके बाद वाला जोन जो है ना वो डेफिनेटली यार अपने पे शिफ्ट होगा। उतने में यार यहाँ पे मेरे पास ही में एक ड्रॉप गिर जाता है, तो मेरे को लगा कि यार ये वाला ड्रॉप इधर मेरे को लूटना चाहिए, क्योंकि भाई पास ही में गिरा है। यहाँ पे ना तो मेरे पास लेवल 3 के गियर्स थे और ना ही कोई ड्रॉप वेपन था, तो भाई मैं ड्रॉप लूटने चला जाता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप के अंदर से मेरे को MG3 प्लस लेवल 3 के गियर्स मिल जाते। और दूसरी तरफ यार यहाँ पे जोन भी स्टार्ट हो चुका था, तो यार काफी बंदे इधर जोन के बाहर से जोन के अंदर आने का ट्राई कर रहे थे। सो भाई यहाँ पे मेरे को जो भी बंदा दिख रहा था ना, हर एक बंदे के ऊपर इधर मैं स्प्रे लेता हूँ। एंड फाइनली यार इसके बाद वाला जोन जो था ना वो आई साइड शिफ्ट हो चुका था, और अभी भी इधर 17 बंदे अलाइव थे। तो यहाँ पे तुम्हें को पता था कि यार पसड़ तो मचने वाले, क्योंकि अभी भी इधर 17 बंदे अलाइव है। एंड जोन देखोगे ना तो जोन के अंदर गिने चुने कंपाउंड्स ही थे, और अब यहाँ पे मेरे पास इतने कुछ ज़्यादा थ्रोएबल्स थे नहीं, तो मैं सबसे पहले जिस बंदे को पेला था ना उसकी यहाँ पे मैं पेटी लूटने आ जाता हूँ, और बंदे की पेटी वेटी लूट के फिर यहाँ से जोन की तरफ निकलेंगे अपन। और यार जैसे इधर जोन स्टार्ट होता है ना, मैं जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा इधर जोन के अंदर पुश मार देता हूँ, एंड ये वाले शेक वाले बंदे को आराम से भर देते अपन। लेकिन भाई ये वाले शेक के ऊपर मैं ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे आई साइड पे बंदे थे और मेरे पीछे साइड जो बंदा था वो भी इधर मेरे ऊपर ग्रेनेड्स कर सकता था। और उतने में भाई यहाँ पे राइट साइड वाली रिच पे मेरे को एक बंदा स्पॉट हो, एक नहीं दो बंदे इधर मेरे को आपस में फाइट करते वो स्पॉट हो जाते। तुरंत इधर मैं थर्ड पार्टी करके बंदों को निपटा देता हूँ, एंड अगला जोन भी ऊपर साइड ही शिफ्ट हो चुका था। तो यहाँ पे मैं जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता, अपनी बग्गी उठा कर सीधा ये वाले शेक पे आ जाता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं पहुँचता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि शेक जो है ना वो इधर जोन के अंदर नहीं है, लेकिन शेक उसके बाद जैसे मैं दूसरी बार देखता हूँ सब तो पता चलता है कि शेक जो है ना वो हल्का सा इधर जोन के अंदर है। तो अभी के लिए तो यार यहाँ पे मैं जोन के अंदर आ चुका था, एंड ये वाला शेक अगले जोन के अंदर भी था। सो फिलहाल के लिए तो अपने को कहीं पर जाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन उतने में इधर मेरे को लेफ्ट साइड से एक गाड़ी का साउंड आता है। यहाँ पे मेरे पास जोन का प्लस हाइट का एडवांटेज होने के बावजूद भी इधर इन बंदों को मारने आता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे को पता था कि अगर बंदे ने ये वाली रिज जो है वो इधर सिक्योर कर ली फिर यार यहाँ पे आगे जाके बंदा इधर मेरे को दिक्कत दे सकता है। सो जरा सा भी टाइम वेस्ट किए बिना यार बंदे के ऊपर पुश मारता हूँ, ये बंदे को तो अपन पीलते लेकिन उसके साथ दूसरा बंदा भी इधर मेरे को दिख जाता है। सो दोनों बंदों को यार आराम से भर देते, बाकी उधर मेरे को छोड़ के 3 बंदे बचे थे, 2 बंदे इधर जो मेरे राइट साइड में थे, एंड एक बंदा जो था वो इधर मेरे सामने की साइड जोन के बाहर था।
और यार अब बंदे के पास इधर कोई व्हीकल तो थी नहीं, तो इधर बंदा इधर जोन के अंदर पैदल ही आने का ट्राई करता है, लेकिन उतने में यार सामने वाले बंदे उनको फील देते हैं। और अब अगला जोन जो था ना वो भी इधर हल्का सा मेरे लेफ्ट साइड में था, सो अब दोनों के दोनों बंदे इधर जोन के बाहर हो चुके थे। और अब यहाँ पे भाई मेरे को एक बंदे की तो एग्जैक्ट लोकेशन पता थी कि बंदा जो है वो इधर लेफ्ट साइड वाले पत्थर के आसपास ही कहीं पे होल्ड कर रहा होगा, लेकिन राइट साइड वाले बंदे का अभी इधर मेरे को कुछ भी आता पता था नहीं। लेकिन जैसे इधर स्मोक हटता है तो यार इधर मेरे को राइट साइड में भी एक पत्थर दिख जाता है, तो अब राइट साइड वाले बंदे की भी मेरे को ऑलमोस्ट एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, तो अब पहले इधर मैं राइट साइड वाले बंदे को पेलने का ट्राई करूंगा। एंड यार यहाँ पे अपने पास ग्रेनेड्स की कमी तो थी नहीं, तो यार राइट साइड वाले बंदे को पूरा का पूरा एक मिनी रेड जोन बना देते इधर। बाकी इधर लेफ्ट साइड वाले बंदे इधर स्मोक करके जोन के अंदर आने का ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई बंदे के पास इधर कोई हार्ड कवर था नहीं, तो यार इसको मारने में ज्यादा दिक्कत हुई नहीं थी। एंड ये वाले गेम में अपने को 10 किल के साथ चिकन पे भाई 22 का प्लस मिल जाता है। एंड भाई यहाँ पे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने कि यार ये वाले गेम प्ले डाल के मैंने सही किया कि गलत किया, क्योंकि इतना ओपी गेम प्ले यार अगर मैं वैसे ही डिलीट मार दूंगा तो ऑब्वियसली बात है बुरा तो लगेगा। बाकी यार बस इतना आज का गेम प्ले, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना, एंड अगर वीडियो को ज्यादा पसंद है तो दोस्तों शेयर कर देना। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस। Again.